ये प्रण करना पड़ेगा कि वो अपने घरों से बाहर नहीं निकले। हमें मिलकर इस चेन को तोड़ना है। तो अभी जो हम जैसे जैसे अपने टेस्ट देते जा रहे हैं, टेस्ट में परसेंटेज पॉजिटिव का घटता जा रहा है, और ये जो 13 एकदम आया था ये उन्हीं लोगों का था जो उस जगह पर काम कर रहे थे या उन डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ से जुड़े हुए थे। सेकेंड जो चांस होता है पॉजिटिव का, वो उन लोगों का होता है जो इनकी क्लोज फैमिली है, जैसे उनकी डॉक्टर साहब की वाइफ या उनके कोई जो लोग उनके परिवार में उनके साथ रहते थे। उन सब की स्क्रीनिंग, उन सब का कार्य चल रहा है, उनके सैंपल्स भेजे जाएंगे। अभी तक जो लोगों के अंदर कम्युनिटी वाली चीज नहीं आई है, और दूसरी बात जो उनके पेशेंट्स हैं जो उनको दिखा के गए उनको भी आइसोलेशन में रख दिया गया है, ताकि वो लोग आगे इससे अगर उनमें से 1% लोग भी कभी संक्रमित हो तो वो आगे इसका फैलाव नहीं हो और चेन को रोक दिया। हमारे लिए सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो यही है कि सभी लोग जो कि भीलवाड़ा के अंदर हमारे यहाँ कोरोना वायरस की जो संक्रमण की स्थिति है वो अलार्मिंग स्टेज पर है, अतः सभी लोगों को घरों में रहने की अपील की जा रही है और सभी लोगों को घर में रहना बहुत आवश्यक है और पुलिस इस काम के लिए तत्पर है, और आप सभी लोग अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। अगर कोई कानून तोड़ेगा सर तो फिर सख्ती की जरूरत होगी तो करेंगे फिर? यदि अगर कोई भी आदमी कानून का उल्लंघन करेगा तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। अतः आपसे फिर से कहा जा रहा है कि नियमों का उल्लंघन बिल्कुल न करें, घरों में रहें, अन्यथा आपके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।